में बात करेंगे। मनोज पठारे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज पठारे जी, मनीष पठारे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, he's got a lovely beard and all that. Yes, yes. नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो पठारे साहब, 250 सीट में आप लड़ने वाले हैं, 250 सीट तैयारी है महाराष्ट्र में? 250 सीट की महाराष्ट्र में आदरणीय राजा ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तैयारी कर चुकी है। हमारी जो एक टीम है वो पहुंच चुकी है हर मतदार संघ में, जहां से हमने लोकल जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारे पार्टी का, अदर पार्टी का सब चेक करके जो कैंडिडेट है ऑलमोस्ट फाइनल किए जा रहे हैं। तकरीबन 250 कैंडिडेट ऑलमोस्ट फाइनल हो गए? वाओ। कैंडिडेट अभी पूरे फाइनल नहीं हुए, अभी राज साहब 4 तारीख से महाराष्ट्र के नवनिर्माण का जो यात्रा है उसके लिए निकल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो भी है वो फाइनल राज साहब करेंगे। अभी तो जो जिसमें से जिसको लड़ना है, जो अभी इच्छुक है एमएलए के लिए, वो लोगों के नामे जो है हर मतदार संघ से हमें दो दो तीन तीन नाम आ रहे हैं, अभी उसके ऊपर राज साहब जी डिसीजन लेंगे। पाठरे जी, ऑलरेडी सोशल मीडिया में लिस्ट पे लिस्ट आ रहा है कि बसगांव से ये लड़ रहे हैं, उधर से ये लड़ रहे हैं, पूरे यानी अनऑफिशियली पूरे लिस्ट सब जगह फैल गया है, और सोशल मीडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपके लिस्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, तो कितना सच्चाई है उसमें? नहीं, जो सोशल मीडिया पे लिस्ट आई है वो ऑथराइज लिस्ट है नहीं एमएनएस की, वो है जो मतलब जो एक बैठ है कि ये एरिया में ये कैंडिडेट कैपेबल है, किसी ने वो बना के डाली है, ऐसी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कोई भी ऐसी लिस्ट अभी तक आई नहीं है। शर्मिला ठाकरे जी ने हाईलाइट कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है स्टेट में, तो आपने जो उरन में केस हुआ, मर्डर केस में शर्मिला जी खुद गए थे वहां पर और उन लोगों से मिला, और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक जस्टिस होना चाहिए, एक बहन का मौत हो गया है, मर्डर हुआ है, वी नीड इमीडिएट जस्टिस। तो क्या सचमुच आप लोग हाईलाइट कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर, और शर्मिला जी ने और 4-5 इश्यूज उन्होंने कहा कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, तो क्या सचमुच लॉ एंड ऑर्डर एक इश्यू है इस स्टेट में, कैसे देखते हो आप? सर, आप अगर सम्माननीय राज साहब जी ठाकरे जिन्होंने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की, उसके बाद से लेके राज साहब के हर भाषण में अगर आप ये लॉ एंड ऑर्डर का जब सब्जेक्ट आता है, तो पहली बात तो हमेशा राष्ट्रीय जो पुलिस है हमारी, लोकल पुलिस है, आर्मी है, उनको अगर हम फ्री हैंड देंगे तो 100% वो ये क्राइम को रोक सकते हैं, या फिर ये जो क्राइम करने वाली जो मेंटेलिटी है उसको रोक सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उस हिसाब से ये रोका नहीं जा रहा है, इसलिए आपने बहुत से स्पीच में राज साहब के सुना होगा कि जो दुबई में, जो यूएई में लॉ है कि शरीयत लॉ, जिससे मतलब कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसके हाथ पर काट दिया जाते हैं या फिर भरे चौराहे में उसको जो सजा दी जाती है, तो ये सब डर जो है एक्चुअल में डर है, क्योंकि देखो आज जो शिंदे की जो परसों हत्या हुई है, वो शिंदे हो या दूसरे कोई हो, ये हमारी बहनें हैं, हमारी कोई तो हमारी लगती है, इस समाज में हम अगर रह रहे हैं तो हमें नैतिकता है कि उनको सपोर्ट देना चाहिए, और अगर ऐसा कोई कर रहा है इतना मतलब इतने अब क्या अभी उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कि इतने बेरहमी से किसी की हत्या की कैसी की जा सकती है, पहली बात तो यह कैसी की जा सकती है, और इतना निर्दयी आदमी होगा तो उसको जीने का क्यों अधिकार देना है? 140 करोड़ का देश है, 144 करोड़ का देश है, उस देश में ऐसे 10-5-50 लोग जाते भी है तो किसको क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ये जैसे लोगों के वजह से आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो पीढ़ी के लिए कुछ खराब आदर्श सामने जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए, हमें डेवलपमेंट के बारे में देखना चाहिए, हमें जो हमारी यहाँ की नारी शक्ति है उसे आगे कैसे ग्रोथ मिला, अभी ओलंपिक में आप देख सकते हैं भारत के लिए पहला मेडल लाने वाली भी एक नारी थी, हमें अभिमान है उसके ऊपर, तो ये जो चीजें होती है इसमें जो नारी की मौत होती है, जो स्त्री की मौत होती है, वो भी हमारी है ना, कल वो भी हमारे लिए कुछ ला सकती है, भारत के लिए कुछ नाम कमा सकती है, तो ये सब चीजें रुकनी चाहिए, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है,
और जो शर्मिला ताई ने जो परसों बताया है वो सही बात है, वही राज साहब बहुत सालों से बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारे जो गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री या जो भी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसमें कुछ बदल नहीं हो रहा है अभी भी। तो पटरे साहब ये बताएं कि वो हम क्या नाम है उनका, अमोल मिटकरे, मिटकरे अमोल मिटकरे साहब जो है वो उनके साथ क्या हो रहा है अभी, मतलब क्या है, वो आज भी उन्होंने कुछ बोला है क्या? वो देखो वो क्या मतलब उनके साथ क्या हो क्या रहा, बोल रहे हैं वो अपनी औकात में रहो, ये रहो वो रहो सब बोला उन्होंने ऐसा कुछ? जी पहली बात तो उनकी औकात क्या है वो पता चल रही है, क्योंकि जो हमारा जो एक कार्यकर्ता उस दिन उनकी ऊपर जो उनको बात करने, क्योंकि उन्होंने राज साहब के अगेंस्ट कुछ खराब वर्ड यूज किए थे, और अगर मेरे जैसा महाराष्ट्र सैनिक मेरे को भी कल अमोल मिटकरी कहाँ पे मिल जाए तो मैं भी उसके जो बात की उसको सही जवाब बराबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टाइल में दे दूंगा, वो बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो अमोल मिटकरी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ मुंह में आता है वो बोल रहा है, ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, वो अमोल मिटकरी आज बता रहा है कि जो हमारा जो कार्यकर्ता एम्पायर हुआ है जय, वो जय उसके पार्टी में जाने वाला था, उसको उसकी औकात पता होनी चाहिए कि जो अकोला में वो है या जहाँ पे वो आंदोलन कर रहा है उसके पीछे दो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते नहीं है, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता क्यों उसके साथ जाएंगे? और वही अकोला में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ पे वो बैठा था उसको छुप के बैठना पड़ा, आप एक बात समझिए कि उसको छुप के बैठना पड़ा, ये वो डर रहा है, उसको मालूम है बात कुछ भी करेगा समाज में कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, इससे कुछ होने वाला है नहीं, हमारा पार्टी जो है वो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कहे तो छुप बैठे। हमारे राज साहब एक हमेशा बात बोलते हैं कि अगर कोई अपने ऊपर आए तो उसे छोड़ना नहीं है, तो ये 100% ये उसने गलत वर्ड यूज किया, आज भी उसने सॉरी कह के ये सब जो हुआ है इसके ऊपर शर्मिंदगी जतानी चाहिए थी, लेकिन उसने वो किया नहीं, उसके ऊपर और कुछ कर रहा है, फिर हमारे जो प्रवक्ता है हमारे जो नेता है उसको रिप्लाई देंगे, चुप कैसे बैठेंगे, क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो उसकी औकात तो कुछ है नहीं, कौन है अमोल मिटकरी क्या है? यू नो पाटरे जी, आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत, सबसे ज्यादा आलोचना वहां से आ रहा है कि आप सिंगल हैंडेडली पूरे एक तरफ लड़ने वाले वंस आप अकेले लड़ने वाले हैं, ये खबर सुनकर बहुत एक प्रकार के वातावरण बन गया है। आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं कि ये आप छतरी है, बारिश के जमाने में निकलने वाले छतरी है। संजय राउत का कहना है कि आप यू नो आप वही है कि वोट बांटने के लिए, यानी उनका इंडिकेशन आप बीजेपी के बी टीम हो, आप हमारे वोट बांट दोगे और फायदा बीजेपी, तो कैसे ये सब आलोचना कैसे देखते हो आप आदित्य ठाकरे, संजय राउत जी? देखिए ये आदित्य ठाकरे है ना, ये दूसरों को छतरी वगैरह बता रहा है, ये तो कुछ छोटा छतरी है। हाँ, इसको पहली बात तो जहां से चुन के आया है 5 साल में वहां पे क्या डेवलपमेंट की उसने बताना चाहिए। एक लोक प्रतिनिधि का काम है कि जहां से चुन के आते हैं वहां के लोगों को कुछ तो देना चाहिए, इसके ऊपर देने के लिए कुछ है नहीं। मैं आज आपको बता देता हूँ कि वहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो 100% वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे जी को घर पे बिठा देगा। आज वो MLA है, 2024 के इलेक्शन के बाद वो नहीं रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। दूसरी बात तो संजय राउत का काम ही है आजकल कि आप सुबह आके वो खुद बताते हैं कि मेरा मुंह थोड़ा सा खराब है, मैं गंदे वर्ड यूज करता हूँ, ये खुद मैंने आज या कल की स्टेटमेंट में उनके सुबह जो आते हैं ना पोपड़ बन के सुबह सुबह 9 बजे खड़े हो जाते हैं पिंजरे के बाहर आके, वो वैसा हो गया उनका। और ये छतरी हो जो संजय राउत की छतरी है ना, ये जो बाहर से आने वाले जो लोग है या फिर जो लोग यहाँ पे कुछ खराब करने की दृष्टि से आए उनको जो धंधा लगाने को देने वाली छतरी होती है ना, जो दोपहर के धूप में या बारिश में यूज होती है, वो छतरी संजय राउत जी की होगी। तो जो वर्ली में जिस प्रकार से हुआ थोड़ा मतभेद हो गए, धक्का मुक्की हो गए, तो आदित्य ठाकरे और जितने शिवसेना का वहां के MLA उनका कहना है कि हम लोग बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बना रहे थे, इसमें मन से आके अपोज करने लगे, ये सीनियर सिटीजन के भलाई के लिए काम था, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, डेवलपमेंट का काम था, वहां पर आप लोग थोड़ा रोक लगाने का कोशिश कर रहे, रोकना चाहते हो, तो इसमें कितने सच्चाई है पाटरे साहब?
सर, अगर मैं आज भी आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर आदित्य ठाकरे जी वहाँ के MLA है, वहां से अगर वो चुनके आए और वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते होंगे, उनका कहना है कि ज्येष्ठ नागरिक जो है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए कुछ कर रहे थे, तो 100% ये अपना देश जो है वो संविधान से चलता है। हम भावनाओं से, हमारे घर में जो भी है वो सब चीजें हमारी भावनाओं से चलती है, मगर हम अगर चुनके आते हैं तो हमें वोट की जरूरत होती है। आज वो बोलते हैं कि मनसे के पास एक MLA है, वो क्या करेगी, तो एक MLA से इतना डरते हैं, लोगों को झूठी बातें बताते हैं। जो धक्का बुक्की हुई हमारे जो वहां के संदीप जी देशपांडे जी, हमारे जो नेते हैं, उन्होंने वो आदमी जिसके ऊपर जो धक्का बुक्की हुई, जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, मतलब उभाटा का जो शिवसैनिक था, उसके सामने फोटो रख के मोबाइल पे उसको दिखाया, उसकी एज बताई, अगर उसके बाल झड़ गए हैं तो उसमें वो सीनियर सिटीजन कैसे हो जाएगा? कल मेरे आपके बाल चले जाएंगे तो हमको क्या 60+ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? पहली बात तो वो डर गए इसलिए ये झूठ सामने किया। दूसरी बात, अगर लीगल काम होता, उन्होंने अगर सब परमिशन लेके ये काम किया होता तो फिर ये खुद उधर खड़े रह के वो काम करा सकते थे, लेकिन इनको मालूम है कि ये जानबूझ के किसी अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये शेड वो मैदान में बनाना, जहां आजकल मुंबई में तो मैदान बचे नहीं है, तो ये मैदान में कहां से शेड बनाने लगे? तो इससे अच्छा है कि वहां के लोग जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास आए, उनके हक के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहां पे गई, उन्होंने उनको इसके खिलाफ पूछा, उसके बाद ये सब चालू हुआ। अगर उनका काम लीगल होता था तो वो पुलिस स्टेशन जाते थे, वहां पे से वो पोस्ट लगा के काम कर सकते थे, लेकिन उनको मालूम है वो इलीगल कर रहे थे। अभी पकड़ी गई तो चोरी पकड़ी गई तो फिर उसमें सीनियर सिटीजन का नाम आगे करो, लेडीज का नाम आगे करो, यही अभी की शिवसेना बची है, इनका यही काम बचा है आजकल। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि आज की तारीख में जैसे मुंबई है, मुंबई के आसपास जितने भी बाकी शहर हैं, जैसे पुणे है, मुंबई, पुणे, मुंबई, सर इतना बारिश का प्रकोप आज तक कभी देखा नहीं? मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बारिश कुछ ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाती है, हर जगह पे पानी भर जाता है, ब्रिज खराब हो जाता है, ऊपर से ब्रिज का हिस्सा गिर जाता है, पुणे के अंदर हालत खराब हो जाती है, आर्मी को बुलाना पड़ता है, ये क्या हो रहा है पाठरे साहब? व्हाट इज गोइंग ऑन प्लीज? सर सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पहली बात तो एक एक अगर इसमें मुद्दा ले तो बारिश कम हो गई, क्योंकि हो गई, आपको मालूम होगा कि ये महाराष्ट्र को भगवान का ऐसा वरदान था कि यहाँ पे 4 महीना बारिश, 4 महीना ठंडी और 4 महीना गर्मी रहती थी जी। लेकिन गर्मी का टेम्परेचर 33 से ज्यादा कभी जा नहीं रहा था, 33-34 तक था, आज 44 तक मुंबई में पहुंच चुका है, उससे ज्यादा भी पहुंच चुका होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो डेवलपमेंट के नाम पे अगर ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर कोई भी सरकार आ रही है कह रही कि हम डेवलप कर रहे हैं, हम समंदर से रास्ते बना रहे हैं, हम जंगल काट के पहाड़ खोद के वहां से रास्ते बना रहे हैं, हम जहां पे जगह मिले नहीं मिले तो वहां पे भी रास्ता बना रहे हैं, ये सब रास्ते बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन जो ये रास्तों को अभी तक सुरक्षित रखते थे वो पेड़, वो जो डोंगर थे या फिर वो जो बड़े बड़ी जो चीजें थी ये सब के लिए पीछे है, वो सब चीजों को इन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आपको मालूम होगा कि बीच में सुधीर मुनगंटीवार शायद उन्होंने कहा था कि कुछ करोड़ झाड़ यहाँ पे महाराष्ट्र में प्लांट होने वाले है, उसमें से कितने झाड़ लगे, उसके लिए कितना खर्चा हुआ, कोई हिसाब नहीं। ये जो ब्रिज बन रहे हैं, ये जो रास्ते बन रहे हैं, आज महाराष्ट्र में ऐसा कोई जिला नहीं होगा, 36 में से एक जिला ऐसा नहीं होगा, एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा कि जहां पे गड्ढे नहीं गिरते हैं। तो फिर ये डांबर जो यूज करते हैं, कॉन्क्रीट जो यूज करते हैं, ये खास कौन से इंजीनियर आते हैं? तो आज तक महाराष्ट्र में आपने कभी सुना है कि ये भाई 5 कॉन्ट्रेक्टर है, इन्होंने ये जो रास्ता बनाया, ये रास्ता खराब बना तो इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, फाइन लगाया, इनको जेल में डाला, ये सब कुछ हो नहीं रहा है। उल्टा ही सुना है सर, उल्टा ही सुना है सर, उल्टा ही सुना है। जो कॉन्ट्रैक्टर को BMC ने ब्लैकलिस्ट किया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एनएमआरडीए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मैं एग्जांपल जी यही तो एग्जांपल दे रहा हूं।
जी देखो, ये एक निसर्ग है अपना जो उसके हिसाब से रहता ही है, वो अपने को नहीं बदलेगा, हमें बदलना है। हमें सोचना है कि ये डेवलपमेंट करके हम क्या कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि लवासा में, मतलब जिसकी बड़ी न्यूज नहीं हुई, लेकिन जो केरला में हुई है घटना, वायनाड में जी, वो केरला की घटना की बड़ी न्यूज हुई, वहां पे जीवित हानि भी बहुत हुई है। उसमें लोगों का कुछ दोष नहीं होता है, हर इंजीनियर को मालूम है कि कहां से क्या करने के बाद क्या हो सकता है। हम पूरे के पूरे पहाड़ काट रहे हैं, हम झाड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में या अपने देश में ज्यादातर के जो भी पहाड़ है वो पहाड़ों में मिट्टी बहुत है। अगर हम एक रोड बनाते हैं, अगर पहाड़ के बीच में से या कोई एक साइड से अगर मिट्टी निकाल लेते या जगह बना लेते, तो वहां से आजू बाजू की जो मिट्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता बाजू में होनी चालू होती है, और उसका जो बैलेंस पूरा पहाड़ जो संभाल के रहता है सालों साल, वो बैलेंस पानी जब बारिश आती है तब पानी की वजह से और थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फिर वो पूरा जो आप देखते हो कि पहाड़ गिर गया, उसके वजह से लोग मर गए, ये सब हो रहा है। लेकिन ये रोकने के लिए कोई सोच है नहीं, हमें बस डेवलपमेंट करना है। बिल्डर लोगों को बड़े बड़े बिल्डिंग बना के देने हैं, उनके लिए रास्ते हमें तैयार करने हैं, लेकिन अगर आदमी नहीं रहेगा तो ये बिल्डिंग क्या करेगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए मालूम होगा कि जी जी कुछ बोल रहे थे आप फिनिश कीजिए, उसके बाद सवाल पूछता हूँ, बोलिए। आपको मालूम होगा कि हम जिस मुंबई में आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, ये मुंबई है, ये एक सात बेटों का मिलके बना हुआ ये शहर है जी। इसके ऊपर मुंबा देवी की कृपा है, आज तक हमें कोई भी बड़ी हानि हुई नहीं है, नहीं हुई। लेकिन एक जो कैलकुलन 2020 में आया था वो मुंबई में आने वाला था, उस समय में श्रीवर्धन में था, आपको लास्ट समय में बताया मैंने, उसकी जो तेजी थी या उसका जो प्रभाव था वो इतना प्रभावशाली था कि अगर वो मुंबई में आता था तो शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी दुर्घटना मुंबई में हो जाती थी। तो अगर ये सब चीजें हैं तो हम अभी भी क्या कर रहे हैं, तो समंदर के अंदर घुस रहे हैं हम, अपने जो जमीन है उसके अंदर घुस रहे हैं, ये सब जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। हमें आज भी खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना के लिए हम हाथ आगे कर रहे हैं और फिर उसके रोकने वाला कोई होगा नहीं, बाद में जो होगा वो तो बस लोग आएंगे। तो मेरा ये कहना है सर कि मान लीजिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज्य सरकार में आती है, आपकी मेजोरिटी आ जाती है, राज साहब जो हैं, जैसा कि मैं तो एटलीस्ट बहुत पहले से बोल रहा हूँ, मेरी तो उम्मीद है पता नहीं कितने सालों से कि राज ठाकरे एक दिन बनेंगे मुख्यमंत्री, और मैं तो सबके सामने बोलता हूँ, कब से बोल रहा हूँ, 2005 से बोल रहा हूँ, 6 से बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ मैं। तो सर आप क्या पर्यावरण जो है, देखिए साहब पर्यावरण की बात तभी होती है जब कहीं बाढ़ आती है या कहीं सूखा पड़ता है या लोगों की जाने जाती है, जैसे अभी वायनाड की आपने बात करी, उसी वक्त पर्यावरण याद आता है हमको, नहीं तो नहीं याद आता। और हर एक कोई बोलता कि यार ये तो बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, इनका कुछ मालूम नहीं इनको। सर ठाणे क्रीक जो है उसकी ऐसी की देसी कर दी है, उसके आगे जाकर के जहां पर वो फ्लेमिंगोस की लेक है उसकी भी ऐसी की देसी कर दी है। ठाणे के अंदर जो बार बार प्रदीप जी ये सवाल पूछते हैं कि 35 लेक हुआ करती थी, क्या हाल है उनका, उसमें 2 या 3 अभी दिख रही हैं। तो सर जब आप अगर पावर में आएंगे क्या इसको आप रिवर्स करेंगे, एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज आप अडॉप्ट करेंगे क्या, आपसे जानना चाह रहा हूं। सर पहली बात तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस में इलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा शायद, इस समय कमला हैरिस जो इंडियन है जी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन ये यूएस में इलेक्शन होते हैं तब लोगों के सामने क्या रखा जाता है, आप वो बता सकते हैं ना, कि लोगों के सामने रखे जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, ये बताया जाता है। वहां पे एक दूजे के ऊपर थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन भारी प्रमाण से लोगों को मैं आपको इस गवर्नमेंट में आने के बाद क्या दे सकता हूँ ये बताया जाता है। सही बात है कि झूठ बात है जी, बराबर। तो ये इलेक्शन का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है वहां का प्रोसेस है। आज इंडिया में आप बोल रहे हैं कि राज साहब आने के बाद क्या करेंगे, मैं बहुत बार हमारे बहुत से प्रवक्ता भी बोलते हैं कि एक ही ये इंडिया में जो लीडर है जिसने ब्लूप्रिंट 2014 में लोगों के सामने रखी, उसके बारे में हर भाषण में खुद राज साहब बताते हैं कि उसमें अभी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि अभी उसको 10 साल होने को आए, उसमें चेंजेस भी चालू है, पुणे में वो सब चालू है काम,
लेकिन वो ब्लूप्रिंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपने अगर इन्वायरमेंट की बात करी है तो उसमें आप देखे होंगे कि कोकण को जो 700 किलोमीटर की जो किनार पट्टी मिली है, जो समंदर की बॉर्डर मिली है, उसको लेके हम कैसे हमारा टूरिस्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां पे बड़े बड़े प्लांट लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये सब 2014 के ब्लूप्रिंट में बताया हुआ था। आपने राजघाट के भाषण में सुना होगा, लंदन का जो गार्डन है, जो कि लोगों ने बनाया हुआ गार्डन है, लंदन का ही है ना शायद, बड़ा गार्डन है जो कि मुंबई से भी बड़ा गार्डन है, जो लोगों ने संभाल के रखा है। यस, वो लोगों ने हर सभा में रास्ता बताते ये सब चीजें, तो उनके पास वो विजन है कि हमें लोगों को, आज आप अगर देखोगे हम अपने लोगों को दिखाते हैं मुंबई सीएसपी जो स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था, हम जाते हैं नरीमन पॉइंट, वहां के पक्की में घुमाते हैं, वहां की डेवलपमेंट हमारे से तो कुछ हुई नहीं है, हम दिखाते हैं रानी का बाग, लेकिन वही राजघाट ठाकरे बताते हैं कि ये मुंबई ऐसा अकेला शहर है जो पूरे दुनिया को दिखा सकता है, जहाँ के शहर में हम जंगली जो जानवर है जिसमें लियोपोर्ड भी आते हैं, शायद टाइगर भी होंगे, लेकिन बहुत सारे जो जंगल के जानवर है वो हमारे बोरोली नेशनल पार्क में, मतलब इस सिटी के हर्ट में, मुलुंड और बोरोली के बीचों बीच ये आज तक इतने सालों से रह रहे हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट करें वहां पे डेवलपमेंट के जगह ये सब चीजें लोगों को दिखाने के लिए अगर कुछ प्लान बनाते हैं, जैसे कि ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी राजस्थान ने ये बताया भी है, लिखा भी है, ये सब चीजें उनके ऑलरेडी दिमाग में है कि ये लोगों को होना चाहिए। हमारा बीएमसी का एक सिंपल लॉ था, और ये खाली बीएमसी के मतलब मुंबई महानगर पालिका के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी चीजें होनी चाहिए, इको फ्रेंडली सब चीजें होनी चाहिए, इन्वायरमेंट सब जो है वैसे के वैसे रख के डेवलपमेंट होनी चाहिए, यही तो रास्ता आपकी नीति है जी। पाटरे साहब, आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राज साहब ने कहा 225 250 तक हम लड़ेंगे, मगर सामने आपके महायुति के एक से एक स्कीम, लाड़की बहन स्कीम, लाड़का बहू स्कीम, गुलाबी रिक्शा स्कीम, फिर आज किसानों को कर्ज में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाले स्कीम, तो कैसे ये ऐसे बहुत पॉपुलर स्कीम्स लग रहे हैं, बिकॉज भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भी स्टैम्पेड लग रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म लाड़की बहन की स्कीम का, तो कैसे आप देखते हो ऐसे स्कीम्स के सामने आप कैसे लड़ोगे पाटरे साहब? सर देखिए, स्कीम के सामने लड़नी कोई बड़ी बात नहीं, आप बोले 225 250, हमारी पार्टी 288 पूरे सीटों की भी तैयारी चालू है, 19-20 होते हैं कुछ 40-50 सीट नहीं लड़ पाए, लेकिन तैयारी तो 288 की है, उसमें 19-20 होगा। दूसरी बात, ये स्कीम अभी, ये स्कीम के लिए आज ये अगस्त महीना चालू हो गया, एक महीना बचा है, मतलब लोगों को एक महीने का ही पैसा देना है, आगे गवर्नमेंट आएगी तो आगे की स्कीम चलेगी, नहीं आएगी तो दूसरी गवर्नमेंट के लिए यह बहुत बड़ा कर्जा होगा, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये आप जैसे लोग समझ सकते हैं, कॉमन मैन की जरूरत है, उसे अगर कुछ दे रहे हैं हम तो उसको चाहिए, वो उसका हकदार है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है महाराष्ट्र में, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ मिलता है और हम लेंगे, ये कभी वो लोगों की सोच नहीं थी, ये सोच गलत बना रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सोच यही है कि हमारे घर में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवा है, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, ये काम मिलेगा तो अपना घर संभाल सकता है, ये 1.5-2 हजार रुपए से घर चलता नहीं है, पहली बात तो ये मिले तो लोग हैप्पी है, लेकिन लोगों को काम मिले तो लोग अपनी जो लाइफ है अपने ढंग से जी सकते हैं, एक आध आदमी दूसरे को मदद भी कर सकता है, दूसरों की मदद लेने की जरूरत भी नहीं है, बहुत से ऐसे इंसान है जो आरक्षण में होके भी आरक्षण लेते नहीं है, और कुछ इंसान आरक्षण के लिए ही जीते हैं, ये अलग अलग तरीका है, लोगों का नजरिया है, लेकिन महाराष्ट्र ये एक सुसंस्कृत राज्य है, वहां के लोगों को मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, और 100% डेफिनेटली वो करेंगे, ये कितने भी स्कीम लाए ये मालूम है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस समय राज साहब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के देनी है, बिकॉज
एक ही पार्टी है जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, उनको मालूम है कि एक अपॉर्चुनिटी अभी एमएनएस को देनी चाहिए। दुरुस्त बात है, क्योंकि सबको ट्राई किया है, लेट्स बी वेरी क्लियर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अब वक्त आ गया है कि आपको मौका देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन बाटरे साहब आप ये बताएं, अभी प्रदीप जी ने लाड़की बहना स्कीम की बात की, अभी लाड़की भाव स्कीम भी है, उसके अंदर क्या 6,000, 8,000, 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, 10,000 रुपए आप किसी ग्रेजुएट को दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। सर आप मुझे ये बताइए, ग्रेजुएशन की उम्र क्या होती है? 18-19 साल की उम्र होती है, उस वक्त 10,000 रुपए अगर किसी को घर बैठे मिल रहे हैं तो काम क्यों करेगा सर? महाराष्ट्र में 21 साल में ग्रेजुएट होते हैं बंदे। सर 21 साल से ही अब किसी को 10,000 रुपए घर बैठे मिल रहे हैं तो काम क्यों करेगा? आप बताइए ना मुझे, क्या करना चाह रहे हैं? क्या करेगा आगे जाके, वो क्या करेगा अगर हम उसको घर बैठे पैसा देंगे? लेकिन ये काम देने के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। मैं वही बताया आपको, ये स्कीम बस दिखाने के लिए है, रजिस्ट्रेशन में ही एक महीना चला जाएगा, कुछ उसमें से 10% लोगों को भी उसका लाभ होने वाला है नहीं, और बाद में गवर्नमेंट आएगी तो आगे की बातें, नहीं आई तो क्या जय राम जी की। But in principles, do you agree with this? Because I don't agree with this. आप जो हैं, आप जैसे आपने अभी भी कहा, आप employment opportunities create करिए ना, jobs create करिए, ये क्या है? पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र एक में स्टेट था सबसे पहले से, कि जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी, यहाँ पे टैलेंट प्रूव करने के लिए जगह थी, यहाँ पे बिजनेस थे, नौकरी थी, यहाँ पे लोगों ने आके खुद को सिद्ध किया है, खुद का नाम कमाया है और पूरे देश भर में नाम हुआ है, फिर वो बड़े बड़े आज अंबानी हो या कोई भी। लेकिन सिंपल बात यही है कि लोगों को काम चाहिए। आज महाराष्ट्र जैसे स्टेट में महाराष्ट्र के सीएम अगर लोगों को घर बैठ के 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 बांटने लगे तो कितने टाइम तक ये चलेगा? दूसरी बात, ये इधर बांट रहे हैं लेकिन मतलब एक बात है कि हमारी जो टैक्सेशन अभी जो बजट हुआ उसमें ये जो टैक्स ले रहे अभी 3 लाख के ऊपर आए, लोगों का पगार बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक पहुंच गया, 3 के ऊपर गया, इनको टैक्स के लिए इन्होंने एलिजिबल बता दिया। ये होना नहीं चाहिए, इतने महंगाई में कम से कम ये स्लैब उठ के 6 लाख के 7 लाख के ऊपर जाना चाहिए था। तो इनको अभी सभी को ऊपर से जीएसटी तो हर चीज में भर रहे हम, बाकी के जो टैक्सेस है हर चीज में, मतलब गाड़ी लेते हैं तो हम रोड टैक्स भी भर रहे हैं, सब टैक्स भर रहे हैं, फिर भी टोल भरना ही है, और ऊपर से टोल भर के रोड कैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन हम टैक्स नहीं भरे तो हमें पेनल्टी मिलती है, हमें उसमें चार्जेस हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई है नहीं। तो गवर्नमेंट करे तो भगवान और हम करे तो शैतान, ऐसा हो चुका है। और वसाई विरार के जो पूरा जो इलाका है आज भी टैंकर माफिया की गिरफ्त में है, अकेली एमएनएस है जो सड़क पर आई है ये कहते हुए कि भैया पाइप्ड वाटर आएगा ही आएगा और किसी में हिम्मत नहीं है, उसका क्या हाल है सर? उस आंदोलन का क्या हाल है, अभी तक कहां तक पहुंचे? सर वहां पे महानगर पालिका ऑलमोस्ट ये सब चीजों के प्रोसेस के लिए लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी क्या लोगों का रोज का पानी का जो सवाल है, एक दिन में तो मनसे ने आंदोलन किया, मनसे ने जोर लगा के रखा है तो पानी पटक से आना चालू नहीं होता, उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम जाएगा, पानी कहाँ से आएगा, उनके पास उतनी अरेंजमेंट है कि नहीं, उनके पास कोई डैम है कि नहीं, या बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें है। लेकिन ये जो बात थी जो कोई भूल नहीं रहा था, ये इम्पोर्टेंट है, आपको भी मालूम होगा शर्मिला ताई खुद उस आंदोलन में नेतृत्व किया, उन्होंने उनका स्टेटमेंट था कि जिस दिन अगर केस लेने की बात होगी सबसे पहली केस मैं मेरी लाइफ की पहली केस यहाँ पे लूंगी, ये लोगों के लिए लूंगी। क्यों? क्योंकि उनको उस परिस्थिति का गंभीर मालूम था, उनको गंभीरता से उन्होंने ये बताया है। और ये जो पॉइंट था, ये जो टैंकर माफिया, ये वर्ड आपने यूज किया, ये मुंबई में भी चलता है, ये गांव में भी चल रहा है, इसके वजह से काफी सारे गांवों को तकलीफ दी जा रही है, उनके पास कुछ अरेंजमेंट नहीं। मैं आज भी वही सोचता हूँ, हजारों करोड़ों मतलब हर स्कीम देखिए आप गवर्नमेंट की, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, इसके सिवा नाम ही नहीं होते। गांव में अगर हर घर में एक एक कुआं भी दे देते थे ना, हर घर में या दो घर के पीछे भी, तो भी बारिश तो हर गांव में आती है। उनको कंपल्शन करते थे कि भाई हर घर ने एक साल में 10 झाड़ लगाना, एक कुआं आपको देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। एक कुआं का खर्च पूरा अगर करोगे तो भी 1-1.5 लाख के ऊपर नहीं जाता है। हर गांव में जहाँ पे पानी के प्रॉब्लम है, शहर हो गांव हो,
उनको अगर जगह देके वह अगर अरेंज करके देते थे तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता था। लेकिन आप परिस्थिति देखिए महाराष्ट्र की, एक एक महीने में एक बार पानी आ रहा है, कहाँ पे दो बार आ रहा है, कहाँ पे 10 बार आ रहा है, ये बहुत डेंजरस है। और लोगों को पानी के सिवा लोग रह नहीं सकते, इसलिए ये माफियाओं का घर दिन दुगना और रात चौगुनी चल रहा है। पाटिल साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर द कमिंग इलेक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपकी तैयारियां हैं वो असली रंग लाएं, और उम्मीद करते हैं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ऐसा मेरा सोचना है। प्रदीप जी आप बताएं। बिल्कुल, देयर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एवरीबॉडी हैज गॉट अ चांस। आज समय है, वक्त है कि राज ठाकरे साहब को चांस मिले, ही शुड बी। आई एग्री टोटली सर, हमारी भी वही सोच है कि इस समय लोग खुद में परिवर्तन ले और लोग एक अपॉर्चुनिटी एमएनएस को दे, क्योंकि ये जो चालू है ये कल जीतने के बाद भी कोई किसके साथ रहेगा किसी को मालूम नहीं। एमएनएस के पास खुद का केडर है और चेहरा राज साहब ठाकरे जी का है जो कि डेवलपमेंट का चेहरा है। एक अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र से अपील करता हूँ कि एमएनएस को दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवराय। But really, in truly speaking, Pradeep ji, at the end of the day, you need somebody new. What is going on here? Let's be very clear. The entire system stenches of corruption. What's going on? I mean, this is like crazy. आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब, I mean, come on. हर जगह आप पेड़ काट रहे हैं, हर जगह पे आप ऐसी की देसी कर रहे हैं सारी दुनिया की। Right at the moment with us, we have a very, very old friend indeed.